दोस्तों, नमस्ते। चंचल स्वामी व्लॉग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे वीडियो को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसको सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अगला वीडियो भी मिल सके और आपका सहयोग ऐसा ही बना रहे मेरे साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिखा रही हूँ क्या आया है गाँव से। ये देखो, इस कट्टे में आया है गाँव से। पता नहीं क्या है इसके अंदर, अभी खोलेंगे इसको तो मालूम चलेगा क्या आया है। अभी लेके आए हैं बस में, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। खोलेंगे इसको, वाओ, इसके अंदर तो सामग्री है। और है प्याज, ये राजस्थान के बड़े बड़े प्याज आए हैं। सामरी ये सूखने के बाद तो बहुत महंगी मिलती है मार्केट में। अभी इसको साफ करेंगे, फिर सब्जी बनाएंगे, फिर गनगौर के दिन वो ढोकले बनाए थे वैसे ढोकले भी बनाएंगे इसके, और केर सांगरी की सब्जी भी बनाएंगे। अब इसको पहले साफ करेंगे, इसको ऐसे तोड़ के फिर सब्जी बनाएंगे इसकी। ये राजस्थान में होती है सांगरी, बिना पानी के, बिना दवाई के, बिना रखवाली के, ये प्रसिद्ध सब्जी है राजस्थान की। हमने सांगरी चूंट के तैयार कर ली है, कचरा अलग कर दिया है। इतना कचरा निकला है हमारी सांगरी में, देखो कितना कचरा निकला है, बहुत सारा कचरा निकला है। सांगरी की तो दो थाली और एक ट्रे भरी है, और बीच में हमें चाय भी पीनी पड़ी है। थक चुके थे हम सांगरी चूंट तोड़ते तोड़ते, तो मम्मी ने हम सब के लिए चाय भी बनाई, हम चाय पी। दोपहर के एक बज गए हैं, अब हम लगाएंगे बालों की मेहंदी। बाल वाइट हो गए हैं, कुलवंत बोल रहा है मम्मी बहुत बूढ़ी लग रही है, इसलिए थोड़ा वापस देखिए हर्बल हिना ये वाली मेहंदी लगाएंगे हम बालों के। ये लगभग आधा घंटा लगा के रखेंगे, तब तक बाल काले हो जाएंगे। बालों के भी थोड़ा कलर आ जाएगा। मैं आइसक्रीम लेके आए हैं बच्चों के लिए, कुलवंत ने आइसक्रीम मंगवाई है, पूरा रोल लेके आ गई। कुलवंत बाउल लेके आ, कटी नहीं रही है मेरे से, बहुत ठंडी है अभी तो। एक और लेके आ, गर्मी में बहुत अच्छी लगती है आइसक्रीम ठंडी ठंडी। मम्मी को भी आइसक्रीम का बहुत शौक है, लेकिन अभी जुकाम लगी हुई है तो आइसक्रीम नहीं खाएगी। मार्केट वाले आएंगे शाम को तो वो खा लेंगे, फिर इतनी आइसक्रीम कौन खाएगा। सबके लिए आइसक्रीम तैयार है, आप भी गर्मी में आइसक्रीम खाओ। आगे टेस्ट करते हैं कैसी आइसक्रीम, बहुत अच्छी आइसक्रीम है। आप खाओ तो आपके लिए भी काट दूं मैं।